झारखंड में स्टेट स्टूडेंट्स ने यूनियन 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 19 अप्रैल यानी आज राज्य बंद का आह्वान किया था। ऐसे में खासतौर से झारखंड के रांची में सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। राज्य में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बंद कॉल करा गया है छात्र संगठन द्वारा, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। हर चौक चौराहे पे फोर्स का डेप्यूटेशन है और करीब करीब रांची शहर में ही, शहरी क्षेत्र में ही करीब करीब 1000 लोग हमारे जवान तैनात हैं और बाइक पेट्रोलिंग है। बाकी हमारा CCTV जो सर्विलेंस है वो हमेशा की तरह चलता ही रहा है और कहीं कहीं ये जगह छुटपुट जगह इनका देखा गया है तो उनको हटाया गया है। आम आदमी को परेशानी ना हो इसके लिए पुलिस तत्पर है और कुछ भी अगर वो गैरकानूनी करेंगे तो उसकी तरफ उसके लिए कठोर कार्रवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स ने यूनियन 60-40 नियोजन नीति का जमकर विरोध किया था। उनका विरोध प्रदर्शन लगभग 72 घंटे तक चला था। हमने पहले ही कहा था कि त्रिदिवसीय 72 घंटे का जो आंदोलन है ये इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा और मुख्यमंत्री जो पिछले 4 महीनों में से 60-40 नियोजन नीति पर जो चुप्पी साधे हुए हैं उसको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा और आज फैसला हम लोग करके जाएंगे। झारखंड में 60-40 जो है कि भारत का नागरिक विज्ञापन पे नहीं चलेगा। ये नियोजन नीति है जो पूरे भारत वर्ष को 3rd और 4th grade का नौकरी पे आमंत्रण करने का खुला सरकारी आमंत्रण पत्र है यह आमंत्रण पत्र, जबकि संविधान का आर्टिकल 16 का 4 7वीं अनुसूचि 19 का 6 के तहत प्रावधान है कि नौकरी हो या व्यापार हो 3rd और 4th grade पे झारखंडियों का अधिकार है। साथ ही छात्रों का प्रयास CM हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचने का था, हालांकि पुलिस बलों के द्वारा उन्हें पहले ही रोक लिया गया और धरना स्थल पर जाकर धरना देने की हिदायत दी गई, जिससे अन्य लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।